हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, बातचीत करते करते कभी कभी हमें सामने वाले के लिए कोई कामना करनी पड़ती है, सामने वाले के लिए हमें विश करना पड़ता है। हम लोग उसको अच्छी बातों के लिए कभी कभी बद्दुआ भी देते हैं, कभी कभी हम लोग उसके बारे में अच्छा सोचते हैं कि भगवान करे ऐसा हो, ईश्वर करे तुम्हें सफलता मिले, भगवान करे आपकी यात्रा सफल हो, अल्लाह करे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो। तो इस प्रकार की जो हम लोग बातें करते हैं, जो हम लोग सामने वाले के लिए जो विश करते हैं, उसको इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, कामना सूचक वाक्य कहते हैं। तो आज हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हम लोग सामने वाले के लिए विश कब करेंगे, सामने वाले के लिए बद्दुआ जब करेंगे तो हम लोग उसके सेंटेंस की बनावट कैसी होगी। अमन यादव ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर, ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक वीडियो बनाइए। दोस्तों, आज मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के बहुत सारे सेंटेंस बना के समझाता हूं कि विश करने के लिए, अच्छा विश करने के लिए, और दूसरा बुरा विश करने के लिए, जिसको हम लोग बद्दुआ कह सकते हैं, बद्दुआ देने के लिए हम लोग सेंटेंस मेकिंग कैसा होगा। जनरली ऐसे वाक्यों की शुरुआत मे से होती है या फिर विश से होती है, कभी कभी मे और विश भी नहीं आता है, और आखिरी में एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य लगाना होता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, उसकी एक एक बात को समझिए, सेंटेंस मेकिंग को समझिए, सेंटेंस की बनावट को समझिए, और क्या, वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। यस दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे सेंटेंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, और गुजारिश करूंगा कि वीडियो बीच में नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाले हैं जो हमारी इंग्लिश को डेकोरेटिव अफेक्टिव इंप्रेस बना देगी और हमारी भाषा में चार चांद लगा देगी। तो दोस्तों, चालू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या होगी, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि हम लोग सामने वाले के लिए विश करते हैं, वो विश अच्छा या बुरा हो सकता है। तो मैं आपको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बताता हूं कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, कीन विश, कर्स एटसेट्रा इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो प्रार्थना को, कीन विश, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर को या बद्दुआ को शो करता हो, उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स विथ मे एंड विश, समटाइम्स मे रिमेन्स हिडन। इस प्रकार के वाक्य अधिकतर मे और विश से चालू होते हैं, कभी कभी मे जो है वो हिडन रहता है, लिखा नहीं जाता है, वो अंडरस्टूड रहता है। उसी प्रकार गॉड भी, कई बार गॉड वर्ड जो है वो भी हिडन रहता है, लिखा नहीं रहता है। तो हमें समझना है कि हम लोग कहेंगे ईश्वर करे, ईश्वर न करे, अल्लाह करे, अल्लाह न करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें गॉड को लिखना होगा। कई बार गॉड भी हिडन रहता है, नहीं लिखा जाता है, लेकिन वो अंडरस्टूड रहता है। तो समझते हैं पहला सेंटेंस, मे द किंग लिव लॉन्ग, राजा दीर्घ आयु हो, राजा कई साल तक जिए, राजा की उम्र लंबी हो, ऐसा बोलने के लिए हम लिखेंगे मे द किंग लिव लॉन्ग। आजकल तो राजा महाराजा होते नहीं है, लेकिन अगर होते तो हम लोग ऐसा बोलते हैं। लॉन्ग लिव द सीएम ऑफ आर स्टेट, लॉन्ग लिव द सीएम ऑफ आर स्टेट, हमारे राज्य के सीएम दीर्घ आयु हो, हमारे राज्य के सीएम लंबी उम्र जिए, कई साल तक जिए। नंबर नेक्स्ट, मे यू टू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन, मे यू टू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन, आप दोनों दीर्घ आयु हो और अपने नाती पोतों को देखें, आपकी उम्र दीर्घ आयु हो, आपकी उम्र लंबी हो, जिससे आप नाती पोते देख सके। हम लोग इसको यह भी कह सकते हैं कि आपकी उम्र इतनी लंबी हो कि आप अपने नाती पोते को देख सके, ये उनके बारे में विश कर रहे हैं हम लोग। मे गॉड ब्लेस अस ऑल, मे गॉड ब्लेस अस ऑल, भगवान हम सभी को आशीर्वाद दे। मे यू बिकम सक्सेसफुल इनफ इन लाइफ, मे यू बिकम सक्सेसफुल इनफ इन लाइफ, आप जीवन में सफल हो। मे द ऑलमाइटी हेल्प इन दिस ट्रेजेडी, मे द ऑलमाइटी हेल्प इन दिस ट्रेजेडी, इस दुख में अल्लाह हमारी मदद करे, इस दुख में ईश्वर हमारी मदद करे। विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ,
विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ. आपका वैवाहिक जीवन सफल हो, बहुत सफल हो. हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मे यू हैव अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ. जब भी आप किसी की शादी में जाएंगे दोस्तों, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि मे यू हैव अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ. आपका वैवाहिक जीवन बहुत सफल हो. विश यू अ हैप्पी जर्नी टूगेदर. विश यू अ हैप्पी जर्नी टूगेदर. आपकी यात्रा सफल हो. हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी टूगेदर. मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी टूगेदर. हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं. नेक्स्ट, मे योर टीम विन द मैच. मे योर टीम विन द मैच. आपकी टीम मैच जीते. हम ऐसी कामना करते हैं कि आपकी टीम मैच जीते. भगवान करे कि आपकी टीम मैच जीत जाए. अब यहां भगवान करे मैंने कहा, हम लोग सोच सकते हैं भगवान करें, लेकिन गॉड लिखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, गॉड सेव द किंग. गॉड सेव द किंग. गॉड हमारे राजा, गॉड राजा को बचाए. गॉड सेव द किंग. जब हम किसी को बचाने की बात करेंगे तब हम लोग ऐसा कह सकते हैं, बस किंग की जगह पर आप लिख देना कि मेरे दोस्त को बचाए, तो गॉड सेव माई फ्रेंड, गॉड सेव माई मदर, गॉड सेव माई फादर, जो भी कहना आप कह सकते हैं. मे गॉड सेव द किंग. देखो मैंने पहले वाले सेंटेंस में मे नहीं लिखा था, सेकंड सेंटेंस में मैंने मे लिखा, तो आप मे के बिना भी सेंटेंस बना सकते हैं. मे गॉड सेव द किंग. नेक्स्ट, मे यू लिव लॉन्ग. आपकी उम्र लंबी हो, आप दीर्घायु हो. मे दे गेट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन. मे दे गेट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन. उन्हें खुशियां और संतुष्टि मिले. उन्हें खुशियां और संतुष्टि मिले. विश यू बेस्ट ऑफ लक. विश यू बेस्ट ऑफ लक. आपकी किस्मत आपको साथ दे. आपकी किस्मत आपको साथ दे. हैप्पी जर्नी. अब यहां पर देखिए, मैंने केवल हैप्पी जर्नी लिखा है, लेकिन आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, विश यू अ हैप्पी जर्नी. मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी. आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन आजकल लोग शॉर्ट में कहते हैं तो हैप्पी जर्नी केवल कह देते हैं. नेक्स्ट, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. उसकी आत्मा को शांति मिले. दोस्तों किसी की डेथ हो जाती तब हम लोग जनरली ऐसा सेंटेंस कहते हैं, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. और आपने देखा होगा शॉर्ट फॉर्म RIP, तो RIP शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है रेस्ट इन पीस. या विश यू स्पीड रिकवरी. विश यू स्पीड रिकवरी. आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाए. आप जल्दी से ठीक हो जाए. आपकी जो रिकवरी है वो जल्दी से हो जाए. मे गॉड ब्लेस यू. ईश्वर आपको आशीर्वाद दे. अल्लाह आपको आशीर्वाद दे. भगवान आपको आशीर्वाद दे. जो आपको कहना आप कह दीजिए. I wish I were a princess. काश मैं राजकुमारी होती. काश मैं राजकुमारी होती. आई विश आई वर रिच. काश मैं अमीर होता. यह भी विश है दोस्तों. तो वुड डेट का यूज किया है हमने. आप वुड डेट भी कह सकते हैं या फिर आई विश भी कह सकते हैं. वुड डेट आई वर अ प्रिंसेस या फिर आई विश आई वर अ प्रिंसेस यह भी कह सकते हैं. विश यू गुड लक. विश यू गुड लक. आपकी किस्मत आपको साथ दे. आपका नसीब आपको साथ दे. लॉन्ग लिव माई कंट्री. लॉन्ग लिव माई कंट्री. मेरा देश अमर रहे. मेरा देश दीर्घायु हो. मेरा देश कई सालों तक बना रहे. मे यू सक्सीड इन लाइफ. मे यू सक्सीड इन लाइफ. आप जीवन में सफल होए. आप जीवन में सफल होए. मे यू बी हैप्पी इन लाइफ. मे यू बी हैप्पी इन लाइफ. आप जीवन में खुश रहें. आप जीवन में खुश रहें. तो आप एडजेक्टिव को बदल के और भी कुछ लिखना चाहें, पॉजिटिव चीज, तो आप लिख सकते हैं. मे गॉड हैव मर्सी ऑन योर सोल. मे गॉड हैव मर्सी ऑन योर सोल. भगवान आपकी आत्मा में दया भर दे. भगवान आपकी आत्मा में दया भर दे. ईश्वर आपकी आत्मा में दया भर दे. अल्लाह आपकी आत्मा में दया भर दे. रहम भर दे. मे द बेस्ट मैन विन. मे द बेस्ट मैन विन. अच्छा आदमी जीते. अच्छा व्यक्ति जीते. सभी लोग खेल रहे हैं, सभी अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो यहां कहा जा रहा है कि मे द बेस्ट मैन विन. एक अच्छा आदमी जीते. बहुत अच्छा आदमी जीते. इस सेंस में हम लोग यूज करेंगे. मे यू लिव एन इंटरेस्टिंग लाइफ. मे यू लिव एन इंटरेस्टिंग लाइफ. आप बहुत ही मजेदार जीवन जिए. आप बहुत ही मजेदार जीवन जिए. लेट देयर बी पीस ऑन अर्थ. लेट देयर बी पीस ऑन अर्थ. पृथ्वी पर शांति हो.
यहां भी हम लोग विश कर रहे हैं तो हम लोग एक तरीका यह भी हो गया, लेट देयर बी पीस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर शांति हो. गॉड सेव अस, भगवान हमारी रक्षा करे, भगवान हमें बचाए, अल्लाह हमें बचाए. गॉड बी विथ यू, भगवान आपके साथ रहे, ईश्वर आपके साथ रहे, अल्लाह आपके साथ रहे. वुड दैट इट वर ट्रू, वुड दैट इट वर ट्रू, काश यह सही हो जाए, काश यह सही हो जाए. मैंने इसके पहले आपको बताया था, वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर बन जाऊं, यह भी विश था. तो वुड दैट यानी काश होगा, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता कि यह सच हो जाता. कई बार हम लोग इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, मे ही पास विद गुड मार्क्स, मे ही पास विद गुड मार्क्स, वह अच्छे अंकों से पास हो जाए, वह अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, यह भी होगा. अब दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट लेके मैं आया हूं आपके सामने. नंबर नेक्स्ट देखते हैं, गॉड फॉरबिड दैट शी शुड एवर हर्ट यू, गॉड फॉरबिड दैट शी शुड एवर हर्ट यू, भगवान न करे कि वह तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाए. तो गॉड फॉरबिड दैट को कहेंगे हम लोग भगवान न करे, भगवान न करे कि ऐसा हो जाए. तो गॉड फॉरबिड दैट शी शुड एवर हर्ट यू, भगवान न करे कि वह तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाए. और इसके कुछ सेंटेंस लेते हैं, गॉड फॉरबिड दैट हिज, गॉड फॉरबिड दैट दिस शुड एवर हैपन अगेन, भगवान न करे कि यह कभी हो, भगवान न करे कि यह कभी फिर से हो. गॉड फॉरबिड दैट ही मे फेल इन द एग्जाम, भगवान न करे कि वह परीक्षा में फेल हो जाए, ईश्वर न करे कि वह परीक्षा में फेल हो जाए, यानी कुल मिला के वह परीक्षा में पास हो जाए. हम लोग ये विश कर रहे हैं तो यह भी एक तरीका है बोलने का, गॉड फॉरबिड दैट. मे गॉड इट हैपन सो, मे गॉड इट हैपन सो, भगवान करे ऐसा हो, ईश्वर करे ऐसा हो. मे इट हैपन सो, हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं, मे इट हैपन सो. अब देखो दोस्तों, मैं कुछ आपको बद्दुआ वाले सेंटेंस बताता हूं मैं, कि हम सामने वाले की बद्दुआ करेंगे, हम लोग उसके लिए बुरी सोच रखेंगे, तब हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे. तो अच्छी सोच के साथ साथ हम लोग बद्दुआ भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि बद्दुआ करने की कोशिश ना करें, और सामने वाले के लिए आप बुरा ना सोचे तो ज्यादा ही अच्छा है. लेकिन सेंटेंस है, ऑप्टिट्यूड सेंटेंस है, तो मुझे लेना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूं. मे डैड किलर डाई सून, मे डैड किलर डाई सून, वह कातिल जल्दी मर जाए, वह हत्यारा जल्दी मर जाए. मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाए, आप जहन्नुम में जाए, जिसको हम लोग गो टू हेल भी कह सकते हैं, मे लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कह सकते हैं गो टू हेल. मे यू बी स्पॉइल्ड, आप बर्बाद हो जाएं, मे यू बी स्पॉइल्ड, आप बर्बाद हो जाएं. मे यू डाई, आप मर जाएं. मे यू बी अनएम्प्लॉयड, आप बेरोजगार हो जाएं, आपका रोजगार छिन जाए. मे गॉड किल यू, भगवान आपको मार डाले. गो टू डॉग्स, आप बर्बाद हो जाएं. गो टू डॉग्स यानी कुत्ते के पास जाएं, ऐसा नहीं है, ये एक फ्रेज है दोस्तों, गो टू डॉग्स यानी होता है आप बर्बाद हो जाएं. और अगर आपको कहना है कि जिंदाबाद, आप अपनी कंट्री को कहना चाह रहे हैं कि मेरा देश जिंदाबाद, तो आप बोलेंगे अप विथ माई कंट्री, अप विथ माई कंट्री. और आप कहेंगे कि आप किसी गलत बात के लिए मुर्दाबाद कहना चाह रहे हैं, अगर आप कहना चाह रहे हैं कि आतंकवाद मुर्दाबाद, ये कहना चाह रहे हैं, तो आप बोलेंगे डाउन विथ टेररिज्म, डाउन विथ टेररिज्म. अगर आप किसी के लिए जिंदाबाद कहना चाह रहे हैं तो आप बोलेंगे अप विथ, और किसी को मुर्दाबाद बोलना चाह रहे हैं तो आप बोलेंगे डाउन विथ. तो ये थे दोस्तों अमन, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपका जो डाउट था, डाउट तो था नहीं लेकिन आपका रिक्वेस्ट था, ये आपको समझ में आ गया होगा. वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने लाया और मुझे उम्मीद है कि सारे सेंटेंस बहुत काम के हैं, बहुत उपयोगी है. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जो हमारी इंग्लिश को डेकोरेटिव अफेक्टिव इंप्रेसिव बना देगी और हमारी भाषा में चार चांद लगाएगी दोस्तों. थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू मेरे वीडियो को आखिर तक देखने के लिए दोस्तों. और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जो हमारी इंग्लिश को डेकोरेटिव अफेक्टिव इंप्रेसिव बना देगी और हमारी भाषा में चार चांद लगा देगी दोस्तों. बहुत जल्द मिलते हैं इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ. दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट पूछे हैं, उनका वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा, बस प्लीज वेट करें. और आपको पता है कि रात को मैं ऑनलाइन भी रहता हूं 8 से 9, तो कृपया मेरी ऑनलाइन में, ऑनलाइन क्लास में आना ना भूलें. यस, और अपने डाउट पूछते रहिएगा. थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद.